नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे उद्देश्य और विधेय। इसको समझने के लिए हम शुरू से शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो हम सबसे पहले देखते हैं दोस्तों वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? भाषा की लघुतम, लघुतम मतलब छोटी, भाषा की लघुतम इकाई जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सकती है वाक्य कहलाती है। दोस्तों भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करती है वो वाक्य कहलाती है। वाक्य के दो अंग अर्थात घटक, वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य कितने अंग होते हैं दोस्तों? दो, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग होते हैं दोस्तों, प्रकार नहीं होते हैं, ध्यान रखना आप। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे हम यहाँ पर कुछ वाक्य देखते हैं तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और पूरा वीडियो आप देखिएगा। प्रिया परीक्षा की तैयारी कर रही है। कौन तैयारी कर रही है? प्रिया। मेरा पड़ोसी दुकानदार है। किस मतलब पड़ोस मतलब किसका पड़ोसी? मेरा पड़ोसी। मेरे मित्र का बेटा कक्षा में प्रथम आया है। हमारे घर के पास रहने वाला परिवार आज घूमने गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इन वाक्यों को, देखिए आप। प्रिया, या मैंने डार्क भी कर रखा है, प्रिया मेरा पड़ोसी, मेरे मित्र का बेटा अर्थात प्रिया पड़ोसी, बेटा और परिवार। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर प्रिया पड़ोसी बेटा और परिवार के बारे में कुछ ना कुछ कहा गया है। मैंने यहाँ पर बताया था आपको, परीक्षा की तैयारी कौन कर रही है? प्रिया। दुकानदार कौन है? पड़ोसी। और किसका पड़ोसी? मेरा पड़ोसी। कक्षा में कौन आया है प्रथम? बेटा। किनका बेटा? मेरे मित्र का बेटा। आज घूमने कौन गया है? एक परिवार गया है। और कौन सा परिवार? हमारे घर के पास रहने वाला परिवार। ये सभी उद्देश्य है दोस्तों। ये सारे के सारे कौन है? प्रिया पड़ोसी बेटा और परिवार, ये उद्देश्य है, क्योंकि इनके बारे में यहाँ पर कुछ ना कुछ बात कही गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा अर्थात मेरा, मेरे मित्र का, यहाँ पर मेरे मित्र का, हमारे घर के पास रहने वाला भी उद्देश्य कहलाएंगे, क्योंकि ये उद्देश्य का विस्तार कर रहे हैं। ये जो मेरा है, मेरे मित्र का है, हमारे घर के पास रहने वाला, ये उद्देश्य का क्या कर रहे हैं दोस्तों? विस्तार कर रहे हैं, तो ये भी उद्देश्य ही कहलाएंगे एक प्रकार से। अब इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर परीक्षा की तैयारी कर रही है। कौन कर रही है? प्रिया। प्रिया काय की तैयारी कर रही है? परीक्षा की तैयारी कर रही है। और दुकानदार कौन है? पड़ोसी, यानी कि पड़ोसी कौन है? दुकानदार। पड़ोसी क्या काम करता है? दुकानदार है। बेटा, बेटा काय में प्रथम आया है? कक्षा में प्रथम आया है। और ये परिवार आज घूमने गया है। तो देखिए, इसी प्रकार परीक्षा की तैयारी कर रही है, दुकानदार है, कक्षा में प्रथम आया है, आज घूमने गया है, अर्थात ये उद्देश्य के बारे में कहे गए हैं। ये जो वाक्य है, ये जो बात कही गई है, ये उद्देश्य के बारे में कही गई है। तो ये क्या है? विधेय। ये क्या है दोस्तों? विधेय। उद्देश्य के विषय में कुछ कह रहे हैं अथवा ये विधेय है, अर्थात जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो तो होता है दोस्तों उद्देश्य। ओ, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं हम दोस्तों विधेय। जैसे यहाँ पर एक और आप उदाहरण देखिए, परिश्रमी छात्र सदा सफल होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य क्या है? छात्र। उद्देश्य क्या है दोस्तों यहाँ पर? छात्र सदा सफल होते हैं। ये क्या है? विधेय। यानी छात्र कैसे होते हैं? सदा सफल होते हैं। तो ये है विधेय। और कैसे छात्र होते हैं सफल? परिश्रमी। तो ये उद्देश्य का विस्तार है, यानी कि छात्र सदा सफल होते हैं। तो छात्र यहाँ पर है दोस्तों उद्देश्य, सदा सफल होते हैं तो उद्देश्य की बात कही गई है, तो ये है दोस्तों विधेय।
और यहाँ पर छात्र के पहले क्या जोड़ दिया उन्होंने, परिश्रमी। तो परिश्रमी क्या हो गया, उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार, विधेय का विस्तार हम ये अगले वीडियो में जानेंगे, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। अब दोस्तों आप मुझे बताइएगा और मैसेज कीजिएगा, मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, मंजू विद्यालय जाती है, सुधा पुस्तक पढ़ती है, किशन स्कूल जाता है, मीरा नाचती है। इन वाक्यों में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है, अर्थात उद्देश्य वाक्य का उद्देश्य क्या है और वाक्य का विधेय क्या है। धन्यवाद दोस्तों।